गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। सो होप आपने मेरे कल का वीडियो देखा होगा जो मेरे हेयर कट के बारे में था। मैं जस्ट वहाँ पे एक नॉर्मल हेयर कट करने गया था, लेकिन उन्होंने बताया मुझे कि उनके पास फायर हेयर कट भी है। तो मैंने सोचा चलो अपने वीडियो के लिए तो रिस्क लेना बनता है। तो रिस्क थोड़ी वो भारी पड़ गई, गलती से उनका स्प्रे थोड़ा मेरे फोरहेड के पास भी लग गया, तो मेरे थोड़े बाल और थोड़ा फोरहेड भी जल गया। वीडियो के लिए इतना तो कर ही सकते। चलो ये था कल के व्लॉग के लिए, तो चलिए आज का व्लॉग कुछ मजेदार करते। तो चलिए मैं आज के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि मेरे घर के पास जो आंगन है वहाँ पे मेरी नानी कुछ सब्जियाँ वगैरह उगाती है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी सब्जी मेरे घर में उगाते हैं। तो आज से मैं सोच रहा हूँ कि मेरा हेल्थ गेन का डाइट प्लान चालू कर दूँ। तो लास्ट 2 महीने से मैं कोल्हापुर में जॉब कर रहा था, तो इतना शेड्यूल मेरा हेक्टिक था कि मेरा खाने का कुछ अता पता नहीं था। उसके वजह से मेरा 3-4 किलो या फिर उससे ज्यादा ही मेरा वेट लॉस हो गया। तो आज मैं अपना वेट चेक करता हूँ और उसके हिसाब से मैं अपना डाइट प्लान करता हूँ कि मुझे कितने प्रोटीन फैट्स कार्ब मुझे लेना पड़ेगा, और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक प्रॉपर डाइट प्लानिंग कैसे होती है। तो चलिए अब जाते हैं मेथी के सीड्स लाने को। तो अभी कल के लास्ट शॉट से आज नेक्स्ट डे चालू होता है। कल मैं शूटिंग नहीं कर पाया क्योंकि कल मुझे अर्जेंट काम था। तो कल मैं सोच रहा था कि पाउडर लेने जाऊँ, प्रोटीन पाउडर, बट कुछ अर्जेंट काम की वजह से वो भी नहीं हो पाया। तो फिलहाल जब मैं पाउडर लेने जाऊँगा तो उसका शॉट मैं अगले ब्लॉग में डाल दूंगा। तो अभी आइए देखते हैं मेरे पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट है। मैंने मेरा वेट चेक नहीं किया तो मुझे पता नहीं कि मेरे बॉडी के लिए प्रॉपर कितना प्रोटीन वगैरह लगेगा। तो आज के दिन मैं बस अंदाजे से डाल दूंगा, और जब मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको तो मैं पूरा प्रॉपर वैसे बताऊंगा कि कितना क्या लेना है। तो चलिए फिलहाल अभी देखते हैं जो है मेरे पास, बस उतने से ही देखते। तो चलिए, तो अभी मेरे पास ये 2 बनाना है। एक बनाना में लगभग 105 कैलोरी रहती है मीडियम, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है तो मैं भी इसमें थोड़ी ज़्यादा होगी, 110 या 120 तक। और ये एग है तो एक एग में लगभग 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। और ये है आलमंड्स, इसमें लगभग 4-5 आलमंड्स में लगभग 6 ग्राम का प्रोटीन होता है। और ये कैशू है, कैशू में लगभग 8.57 ग्राम ऑफ कार्ब्स रहता है। और ये ओट्स है, और ये ओट्स फिलहाल मैं क्वेकर ओट्स खा रहा हूँ। और ये ब्लेंडर है, थोड़ा ख़राब हो गया क्योंकि मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया है, तो भी फिलहाल मैं इसको अभी धोता हूँ फिर यूज़ करता हूँ। तो भी मेरे पास शेकर नहीं है, तो फिलहाल जो मेरे घर में अवेलेबल था उसके अंदर ही मैं शेक बनाऊंगा। बनकर रेडी हो गया है, तो चलिए इसे अभी ग्लास में लेते हैं और देखते हैं इसके टेस्ट कैसे हुए। तभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। तो ये मेरा शेक रेडी है, तो अभी देखता हूँ फिलहाल मैं अभी ये टेस्ट कैसे करता है।
बस बनाना बनाने लग रहा है। जब मैं इसमें प्रोटीन पाउडर डालूंगा तो इसमें रियल टेस्ट आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसको पूरा पीने के बाद। ये एकदम 3 ग्लास शेक बना और तीनों ग्लास मैंने खत्म कर दिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिए। तो फिलहाल आज का व्लॉग यही तक, मिलते हैं अगले व्लॉग में।